देख सकते हैं फ्रेंड, ये हमारा 50 का ट्रंकी है और इसमें आपको राइजर 90 बना करके दिखाएंगे। ये जो हमने मार्किंग किया है इसका पूरा आपको मार्किंग का मेजरमेंट आपको बताएंगे, इसका पूरा फार्मूला बताएंगे। रेडियस कितना का हमने ये 5 सेंटी का रेडियस रखा है, इसका रेफरेंस कितना होगा और ये जो गैप रखा है हमने कितना कितना का गैप रखा है वो पूरा डिटेल में आपको बताएंगे और उसका मेजरमेंट भी करके दिखाएंगे ताकि आपको पूरा अच्छे से समझ में आ जाएगा। और आप सेम ऐसा बना करके चेक भी कर सकते हैं कि मैंने गलत बताया कि सही बताया। तो वीडियो में बने रहिए शुरू से लेकर लास्ट तक, और चैनल पर अगर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाइए, ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दीजिए। ऐसे ही वीडियो मैं आप लाता रहता हूँ और पूरा अच्छे से समझाता हूँ। तो चलिए इसके आगे का हम देखते हैं, इसका मेजरमेंट मार्किंग क्या कैसे करना है। तो ये देखिए, यहाँ से हमको ये जो है हमारा राइजर का 90 हमको 20 सेंटी का बनाना है, ठीक है। आपको जितना के बनाना होगा, ठीक है, आप बनाइएगा। तो हमको 20 सेंटी का बनाना है। तो ये देखिए हमारा 20 सेंटी आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो इसका मार्किंग हम कितना किए हैं, 16 सेंटी 5 mm, देख सकते हैं 16 सेंटी 5 mm पे पहला मार्किंग हमारा। तो क्यों किए हैं, क्योंकि हमको ये देखना है ये जो हमारा है ये गैप, ये 5 सेंटी का गैप है, ये देखिए है ना, ये 5 सेंटी का गैप है। तो ये इसको कहते हैं रेडियस। आप रेडियस कितना का रख रहे हैं, रेडियस रख रहे हैं आप 5 सेंटी का, तो उसका जो रेफरेंस जो आएगा 3 सेंटी 5 mm आएगा, ठीक है। तो हमको 20 सेंटी का 90 बनाना है, तो क्या करना है हमको, हमको 5 सेंटी का रेडियस रखे थे तो उसका रेफरेंस जो आएगा वो यहाँ पर हम माइनस करेंगे 20 सेंटी से। तो 20 सेंटी ये हो गया, 20 सेंटी ये हो गया, ठीक है। अब हमको यहाँ से 3.5 सेंटी माइनस करना है। तो पहला ये 19, 18, 17, 3 सेंटी यहाँ तक हो गया और ये 5 mm इधर ले लेंगे हम। तो ये हमारा आप देख सकते हैं 16 सेंटी 5 mm, ये हमारा 3.5 सेंटी यहाँ से माइनस हो गया है, ठीक है। तो पहला मार्किंग हमने यहाँ पे किया, एक लंबा लाइन खींच दिया, आपको भी ऐसे ही करना है। और उसके बाद सेकंड जो मार्किंग किया है तो कैसे किया, ये देखिए हमारा 50 का ट्रंकी है, तो 50 का ट्रंकी में 2-2 सेंटी का गैप देखिए हम मार्किंग करते हैं, देख सकते हैं। ये देखिए हमने 4 पर रख दिया और ये देखिए पहला मार्किंग का दूरी देखिए 2 सेंटी, 4 से 6, 6 से 8, ठीक है। ये दोनों मार्किंग हो गया आपका। और उसके बाद ये देखिए 4 पे हमने रखा है और ये देखिए कहाँ पे आ रहा है, 9 सेंटी, ये हमारा रेडियस है, 5 सेंटी का हमने रेडियस रख दिया। और उसके बाद फिर ये देखिए, ये भी हमारा जो गैप है 2-2 सेंटी का गैप है, 4 से 6, 6 से 2, 6 से 2 8, है ना। तो सेम ऐसा ही मार्किंग आपको करना है, ऐसे लंबा लाइन खींच दीजिएगा। और उसके बाद ये देखिए, ये आपको वी कट बनाना है। तो ये देखिए ये हमारा इधर का हिस्सा है, इधर का हिस्सा कटेगा। तो यहाँ से आपको यहाँ एक मार्किंग ले लेना है और ये जो देख रहे हैं ये कॉलर हमारा कट के निकल जाएगा, इसको यहाँ से यहाँ पूरा काट के निकाल देंगे, ठीक है। सेम इधर भी करेंगे, ये कॉलर हमारा निकल जाएगा, यहाँ से एक मार्किंग कर लीजिएगा, ये होगा आपका कॉलर, यहाँ से काट के, यहाँ से काट के, यहाँ से काट के पूरा निकाल दीजिए और यहाँ से काट के ये पूरा निकाल दीजिए, ठीक है। सेम उस तरफ भी आपको ऐसे ही करना है, सेम मार्किंग, सेम मेजरमेंट, सेम रेडियस, ठीक है, सब कुछ सेम है, देख सकते हैं। ये मैं जैसे ये देख, और ध्यान देने वाली बात है, आप ये देखिए ये जो भी निकाल रहे हैं, ठीक है, ये जो भी का मार्किंग किए हैं सेम इधर भी आपको वैसे ही करना है। ये देखिए ये दोनों आपस में मिल रहा है, ये देखिए, ये देखिए आपस में मिल रहा है, आपस में मिलना चाहिए, ठीक है ना। इधर भी देखिए ये भी सेम है, इधर भी सेम है ना। ये आपस में अगर नहीं मिलेगा, इधर से मार दीजिएगा, इधर से काट के निकाल लीजिएगा, इधर से काट दीजिएगा तो गड़बड़ा जाएगा। तो उसको ध्यान से आपको देखना है कैसे हमको मार्किंग करना है। आप जो जो मैंने ये मार्किंग किया है आप सेम सब मार्किंग करके आप बना करके देख लीजिए, चेक कर लीजिए, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। वीडियो को थोड़ा रोको के अच्छे से देख करके आप पूरा मार्किंग करिए, आपको पूरा समझ में आ जाएगा। ये फार्मूला दोस्तों, ये फार्मूला आपको कोई भी नहीं बताएगा, ठीक है। जो मैं फार्मूला आपको बता रहा हूँ इतने अच्छे से समझा रहा हूँ, ठीक है। तो बने रहिए वीडियो पर, इसको अब हम इसको कटिंग करेंगे, कटिंग करके इसको बाइंड करके आपको मेजरमेंट करके दिखा देंगे कि हमने 20 सेंटी का जो राइजर 90 बनाया है पूरा परफेक्ट बनाया है कि नहीं। तो चलिए आगे इसका प्रोसेस करते हैं हम। वीडियो में बने रहिए और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबाइए, ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर दीजिए। ऐसे ही वीडियो हम लाते रहते हैं और पूरा आपको अच्छे से जानकारी देते हैं। तो चलिए इसका हम आगे का प्रोसेस करते हैं, बने रहिए वीडियो पर। ये देखिए फ्रेंड, ये हमारा कटिंग हो चुका है, इसी तरीके से आपको भी काट लेना है। ये देखिए मैंने यहाँ से और यहाँ से यहाँ ये भी कट हमने जो मार्किंग किया था ये पूरा भी कट पार आ गया है, ठीक है।
और ये जो कॉलर हमने कटिंग किया, जो मार्किंग किया था, ये कॉलर भी कट गया और ये बन गया हमारा कपलर। ये इसके अंदर आके बैठ जाएगा, ये वाला जब हम इसको मोड़ेंगे तो ये आके यहाँ बैठ जाएगा और ये यहाँ पे आ जाएगा। इसको ऊपर से एक होल मारेंगे टाइटर से, उसके बाद रूपिंग बोल्ट डाल के इसको पूरा फिक्स कर देंगे, टाइट कर देंगे। सेम इधर भी आपको वैसे ही करना है, देखिए सेम सेम कटिंग है दोनों तरफ, उस तरफ भी देख लीजिए, ये देखिए सेम आपको कटिंग करना है, सेम मार्किंग करना है। अब ये इसको हम मोड़ देंगे तो ये हमारा पूरा राइजर कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए इसको फोल्ड करके हम आपको दिखाते हैं, रूपिंग बोल्ट डाल करके पूरा टाइट करके हम आपको दिखाते हैं। इसका जो 20 सेंटी मैंने बताया था, 20 सेंटी का जो मैंने ये राइजर बनाया है, तो इसका 20 सेंटी राइजर बना है कि नहीं, इसका मेजरमेंट भी आपको दिखा देंगे। तो चलिए इसको फोल्ड करके हम आपको दिखाते हैं। ये देखिए फ्रेंड, ये हमारा जो कपलर है आसानी से अंदर चला गया है। इसको हमने पहले हैमर से मार लिया था साइड साइड से, और देखिए ये पूरा बैठ चुका है। इसको फिर हैमर से अच्छे से, अगर नहीं बैठे तो अच्छे से थोड़ा साइड साइड से मार दिए तो, ताकि ये पूरा बैठ जाएगा। इसी तरीके से आपको भी करना है। और उसके बाद इसको हम टाइटर से होल मारेंगे, होल मार करके उसमें रूपिंग बोल्ट डाल करके पूरा टाइट कर देंगे, ताकि ये हमारा जो राइजर बना है ये खुले ना। ये देख सकते हैं, ये हम टाइटर से होल मार रहे हैं। इसी तरीके से आपको टाइटर से होल मार के रूपिंग बोल्ट 6 का डाल करके पूरा नेट वाशर पूरा फिक्स कर देना है, टाइट कर देना है। देख सकते हैं ये हमारा 20 सेंटी का जो अंदर से जो हम बनाए थे, ये 90 राइजर 90 बन चुका है।